13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खानाबदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेट डाली और यूं खानाबदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। तुम नोयान की छावनी में वाकई मुआहिदा करने गए थे, इतनी अहम खबर मुझे क्यों नहीं दी गई? बताओ मुझे। क्योंकि रियासत इसे खुफिया रखना चाहती थी। ये किस बारे में बात कर रहे हो और कौन हो तुम लोग? अर्तुरुल की औलाद की खातिर जो पूछ रहा हूं वो बता दो। जंबील के अंदर है। कबीले के लोग भी अच्छी तरह जानते हैं कि अर्तुरुल के खिलाफ साजिश की जा रही है। हम सब भी उसका साथ निभाएंगे, इसलिए तू तक इन जैसे ही होश में आ जाता है इसे कबीले लेकर पहुंच जा। हमजा, ये क्या हो रहा है? सोग मना रही है। सोग मना रहे हैं? किस बात का? नोयान ने अपने सिपाहियों से कल रात कबीले पर हमला करवाया था, उन पर दहशतदारी करने के लिए। अर्तुरुल को एक बार फिर ललकारने के लिए उसकी मौत से पहले इसके सिपाहियों ने इसके एक हुक्म पर बगैर किसी खौफ खतर के मौत को गले लगा लिया। तुम कहां थे? नोयान ने एक महाज पर भेजा था मुझे।
अपने बहादुर सिपाहियों की रूहों को अलविदा कह रहा था। आखिर ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई थी? तू तो किन जिंदा है नोयान? कहाँ है वो? अर्तुरुल जानता है कि कहाँ है वो? क्यों? आखिर क्यों मेरा साथ नहीं दे रहे तुम? तो कि नगर कबीले पहुंच गया तो सब खत्म हो जाएगा। कोई कबीले नहीं जाएगा आज, तू थकीन हो या कोई और, हवा भी नहीं जाएगी आज कबीले। आज के दिन वहां जो भी शख्स जाएगा मारा जाएगा। मैं अपनी फतह को सोग में नहीं बदलने दूंगा किसी भी कीमत पर। आओ मेरे साथ। लगता है काई कबीले ने पसपा कर दिया इसके सिपाहियों को। अल्लाह तेरा शुक्र है। अगर सरदार अर्तुरुल शहीद हो गए तो नोयान के वो पालतू जीत जाएंगे जिन्होंने कल रात हम पर हमला किया था। चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। कभी नहीं हो सकता। क्या हम होने देंगे? नहीं होने देंगे। सरदार अर्तुरुल के लिए, इंसाफ के लिए हम अपनी जान कुर्बान कर देंगे। इस दुनिया को इन मंगोल काफिरों के वजूद से पाक करके ही दम लेंगे। याद रखना, हमारी ये जंग ना दौलत के लिए है और ना ही किसी मनसब के लिए, बल्कि सिर्फ हक की खातिर है। और इंसाफ के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। हमारी जान, हमारी जिंदगी अल्लाह और उसके दीन पर कुर्बान है। हमारी जान, हमारी जिंदगी अल्लाह और उसके दीन के लिए कुर्बान है। कसम खाते हैं, कसम खाते हैं, कसम खाते हैं, कसम खाते हैं, कसम खाते हैं। तुराली, हर आदमी गुस्से में है, हालात खराब लग रहे हैं मुझे। अल्लाह हमारी मदद फरमाए। तुराली, बाहर रहना खतरे से खाली नहीं। बेहतर यही होगा कि रात होने तक तुम मेरे खेमे में ही रहो, समझ गए? जाओ, शाबाश।
हाइमा खानम, आपका जख्म ताजा है, आपको आराम की जरूरत है। आप बेफिक्र हो जाएं, हम सरदार अर्तुरुल को अकेला नहीं छोड़ेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। इस मुश्किल वक्त में कबीले के किसी फर्द को अकेला नहीं छोड़ूंगी मैं। इत्मीनान रखिए। दरअसल मैंने आपको यहां एक अहम मशवरा करने के लिए बुलाया है। ये संगीन इल्जाम जो अर्तुरुल पे लगा है, कौन है आप में से जो इस इल्जाम को सच मानता है? बताइए मुझे, क्या कहते हैं आप? अगर सरदार अर्तुरुल ना होते, आपकी दूरंदेशी और सरदार गुंदोगदो की अंतक मेहनत ना होती, तो आज काय कबीले का नामोनिशान मिट चुका होता। सुलेमान शाह को हम सबसे बढ़कर मानते हैं, लेकिन आपने उनकी कमी हमें कभी महसूस होने नहीं दी। अल्लाह आपको और आपके बच्चों को सलामत रखे। हम आपके लिए दुआगो हैं। बहुत शुक्रिया। अगर आप सब मुत्तफिक हैं तो मैं आपकी मुकम्मल हिमायत चाहूंगी उन इकदामात के हक में जो हम इस साजिश के खिलाफ करने जा रहे हैं। हम हर कदम पर आपके साथ हैं मखानम। हम भी इंसाफ के लिए जो जरूरी है वही करें। हाय मखानम, हम हमेशा आपके साथ हैं। सब तैयार हैं सरदार। सरदार अर्तुरुल का बाल बीबी का होने नहीं देंगे हम। और मौजिज़ीन? वो सब भी हमारे साथ हैं। अर्तुरुल के सिपाही तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम उन्हें रास्तारी से कबीले में ले आओ। खुशखुशियों की पहाड़ी पर वो तुम्हारे मुंतजर हैं। जी समझ गए सरदार। गुंदोगदो भाई, आज की सुबह में एक अजीब सी हैबत तारी है, खौफ सा महसूस कर रहा हूं। हम सब एक ही चीज के तलबगार हैं, इंसाफ। गोरकुत सरदार के खेमे में आज सिर्फ इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे। यकीन रखिए मुझ पर, गोरकुत सरदार की औलाद का गम या कबीले में लगी इंतकाम की आग मुझ पर असरअंदाज नहीं होगी। पिछली रात क्या बात करने आए थे मुझसे आप? अल्लाह से दुआ यही है कि अर्तुरुल की बेगुनाही साबित हो जाए, लेकिन फिक्र यह है कि बाद में मेरे साथ क्या सुलूक किया जाएगा अगर उसे मौत की सजा देनी पड़ी। मैंने पहले ही कहा, हम सब एक ही चीज के तलबगार हैं, इंसाफ। फसाद फैलाने की कोशिश मत करना गुंदोगदो। अगर ऐसा कोई भी ख्याल जहन में है तो निकाल दो, वरना हर चीज खत्म हो जाएगी। अगर आज आपके इस जिरके में इंसाफ के तकाजे पूरे ना हुए तो याद रखिएगा, और वो उस कबाइल बिखर के रह जाएंगे। और इसके साथ ही अनातोलिया पर इनहिसार करने वाली सलजूक रियासत खत्म हो जाएगी यकदम। गुंदोगदो सरदार, सरदार अर्तुरुल को जिरगे में पेश करना है। आता हूं मैं। Thank you.
यही रास्ता है। वो तू तक इनको कबीले ले जा रहे हैं। नौयान को खबर करो। मतलब ये कि तू तक इन कबीले जा रहा है। हाँ। हर सूरत रोकना होगा उसे। घोड़े लेकर आओ। हलीमा, ये घोड़ा अब मजीद आगे नहीं जा सकता। रुस्कर घोड़ा है मेरे पास, ले जाएगा हम दोनों को। हलीमा बेटी, तुम जाओ, मेरा वजन ज्यादा है। देखो बारिश भी तैयार करी है, तुम अपने घोड़े पर बैठकर आगे चली जाओ। शाबाश बेटी, अर्तुरुल की दी हुई जिम्मेदारी पूरी करनी है। जाओ मेरे बच्चे। बिल्कुल नहीं, मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। देली देवीर, आपको मेरी बात मानना पड़ेगी। हलीमा बेटी, मैं कुछ देर के लिए उन्हें रोक लूंगा। तुम्हें अपने नहीं बल्कि अपने बच्चे की जान बचानी है। जाओ बेटी जल्दी। इस तरह के लिए नहीं छोड़ सकती मैं। जल्दी जाओ यहाँ से हलीमा, जल्दी करो, जिम्मेदारी पूरी करनी है। जाओ जल्दी। दस्तावेज देती हूं मैं। हलीमा नहीं देना। ये रहे। मार दो इस बूढ़े को। नहीं नहीं। और हलीमा सुल्तान को नौयान की कैद में ले चलो। खोलो इसे। क्या कोई अच्छी खबर है भाई? उसकी हालत सही नहीं है अभी। अब क्या कर सकते हैं भाई? हमने अपनी पूरी कोशिश कर ली, अब जो अल्लाह की मर्जी हो उसमें राजी हैं हम। नहीं, हाथ नहीं बांधे जाएंगे इनके।
ये नहीं हो सकता, यहां कैसे हो सकता ये? Yeah. वो दस्तावेज फिक्र ना करें, उसकी नकल है मेरे पास। बहुत अच्छा किया तुमने बेटी। तुम बिल्कुल सही वक्त पर पहुंचे हो बहादुर जवान। कहां से आए हो तुम? किस कबीले से ताल्लुक है? शुक्र है तुम आ गए तुमरुल। कबीले में क्या हो रहा है? आग लगी हर तरफ। हम उस आग को अपने ईमान की ठंडक से बुझा देंगे इंशाल्लाह। उनकी अदालत को ढा देंगे हम, उनके जिरगे को भी, उनके खेमे उन्हीं पर उलट के रख देंगे। खुद को समझते क्या है बेवकूफ लोग? किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार दूंगा। बंसी, खामोश हो जाओ। खामोश हो जाऊं? क्यों खामोश हो जाऊं? कब से खामोश था, उससे क्या फायदा हुआ? इसको जरा काबू में रखना। कबीला पहले ही बहुत ही नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है, एक गलती से सब कुछ तबाह हो सकता है। हमें कोई भी कदम बगैर सोचे समझे नहीं उठाना है। गुंदोगदू भाई ने सख्ती से तंबीह की है। उनका हुक्म सर आंखों पर। तो फिर ठीक है भाई, इंतजार में होंगे हमारे। सुराग मिल गया है, वो ताकुब में है।
निशानात मिटाए गए हैं, लगता है ताकुब की खबर है उन्हें, दूर नहीं होंगे। पीछे आओ मेरे। अदालत तैयार है भाई, मौजिज़ीन एक एक करके आ रहे हैं। क्या बातें हो रही हैं अंदर? उन्हें खून के बदले खून चाहिए और बस। अर्तुरुल की मौत चाहते थे हम, और अब उसकी जिंदगी हमारे हाथ में है, लेकिन न जाने क्या वजह है कि अब हमारे ही हाथ कांप रहे हैं। एक बात और भी है आयतुल, अर्तुरुल ने कारबे को नोयान के साथ देखा था। कारबे क्या कहता है इस बारे में? रियासत का राज कहकर चुप हो गया। डर है मुझे हम कहीं गुमराही के रास्ते पर न चल पड़े आयतुलन। यही बात मुझे मुसलसल परेशान कर रही है। और अर्तुरुल? गुंदोग तो पुरअज़्म है, कभी अपने भाई को इनके हवाले नहीं करेगा। यानी दोनों कबाइल के सिपाही आमने सामने होंगे। तसादुम का अंदेशा मौजूद है, हिफाजती इकदाम करने होंगे। फिर आप क्या फैसला करेंगे? गोगचे, सुलझान से मुझे एक जरूरी बात करनी है। दुमरुल अर्तुरुल के सिपाहियों को कबीले लाने के लिए रवाना हुआ है। शुक्र है वालिदा। गुंदोगदू और मैं अदालत की कार्रवाई में होंगे, तुम अगर कोई भी खतरा महसूस करना या अगर मुझे और गुंदोगदू को कुछ हो जाए। ऐसा क्यों कह रही है? क्या खतरा हो सकता है आपको वहां? देखो मेरी बच्ची, जब किसी माँ से उसकी औलाद बिछड़ रही होती है तो वो मौत तक हार नहीं मानती। उसे बचाने के लिए अपनी आखिरी सांस तक कोशिश करती है वो। चाहे जो भी फैसला किया जाए, लेकिन किसी भी तरह अर्तुरुल को बचाना है। तुम दुमरुल का साथ देना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अर्तुरुल को किसी भी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचने देना। तुम्हें निभानी है ये जिम्मेदारी। मेरी खुशनसीबी होगी वालिदा, जैसा आपका हुक्म। Oh.
ठीक हूं मैं। अर्तुरुल का अंजाम वही होगा जिसका वो हकदार है, लेकिन अगर जल्दबाजी में आपने उसका सर कलम कर दिया तो बाद के हालात आपके काबू से बाहर हो जाएंगे। बेहतर होगा कि इस मामले का कोई और हल निकालें जिसके नतीजे में तुम होश में तो हो। खातून, जानती हो कल रात मंगोलों ने जो हमला किया उसका जिम्मेदार भी अर्तुरुल है। सिर्फ अपनी अना और लालच के लिए हमारी जिंदगी जहन्नुम बना रहा है वो कातिल। मेरे बेटे को उसने मारा है। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझे सलाह देने की? मैं तो बस आपको खामोश। वही होगा जिसका वो हकदार है। मेरे ही हाथों मरेगा वो। कसास लेने का हक कानूनी तौर पर हासिल है मुझे। अगर जर्रा बराबर भी तरद्दुद दिखाया मैंने तो खाना जंगी शुरू हो सकती है। कभी फरामोश मत करना इस बात को आयतुलन, समझ गई तुम? जी समझ गई सरदार। क्या मैं अंदर आ सकता हूं सरदार? आ जाए काराबे, तशरीफ लाए। क्या बात है? मुश्किलात पैदा कर सकता है, काबू में रहेगा कर उसे भी फैसले के बाद हिरासत में ले ले आप, ताकि हमारे रास्ते में कोई भी मुश्किल ना आए और कातिल अंजाम को पहुंचे। यहीं रुको। आला हजरत, अगर इन्होंने हमें ढूंढ लिया तो हम सबको मार देंगे। इत्मीनान रखो, जिस तरह अल्लाह ने अपने महबूब को गार में मुशकीन से महफूज रखा वो हमारी भी हिफाजत करेगा इंशाअल्लाह। उधर से बाहर का रास्ता हो शायद। देखो जाकर। Come on, 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 come on
रुक जाओ। कहां से आ रहे हो तुम? जब मैं यहां से जा रहा था उस वक्त भी तुम ही थे ना। हाइवा खानम का सामान लेकर आया हूं। तुमसे कहा था ना कि मैं इस मनहूस कबीले से जल्द बाहर जाना चाहती हूँ। उस मनहूस औरत आयतोलन की शक्ल को मैं मजीद अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। खड़े क्यों हो यहाँ? जल्दी जाओ अंदर। सलजान खातून। क्या बात है? नहीं कुछ नहीं, जा सकते हो तुम, जल्दी करो। नौयान जब इस हाथ को जख्मी कर रहा था उस वक्त इसकी खुशी देखने के काबिल थी। ये तो गद्दार है। और क्या, बिल्कुल सही कहते हो। हाँ बिल्कुल, उसको क्या कहा जा रहा है? अदालत सरदार कोरकुत को जो एक मकतूल के वालिद है और असास का हक भी रखते हैं, उन्हें अपना इंतकाम लेने का हक देती है। अगर जरा सा भी ईमान बाकी है तुम में तो कलिमा पढ़ लो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह।